हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक और नई भर्ती आ गई है उत्तराखंड में, जहां पर 31 पदों के लिए, जो कि ट्यूटर के रूप में नर्सिंग परीक्षा 2023 के संबंध में पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए, फॉर्म स्टार्टिंग 20 नवंबर से हो गए हैं। 1 दिसंबर जो है, मतलब विज्ञापन की तिथि 20 नवंबर है, लेकिन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके होंगे 1 दिसंबर से। 21 दिसंबर लास्ट डेट है जमा करने। अब टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पर 31 पद यहाँ पर टोटल निकले हुए हैं। यहाँ पर अगर हम रिक्त पदों पर बात करें तो लेवल 7 की ये जॉब है, जहाँ पर अनारक्षित की 16, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 3, अन्य की 5, अनुसूचित जाति के 1, जनजाति की 6। तो अब 36 आरक्षण आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ है, तो अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको जो है आप चेकआउट कर लेते हैं। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी को MSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग या पोस्ट नर्सिंग के साथ 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये है, बाकी इनकी जो ऑफिशियल आईडी है, मतलब वेबसाइट है, उससे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। एज की बात करें तो 22 से लेकर 42 साल आपकी जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम 42 साल, अधिकतम जो है 42, न्यूनतम 22 वर्ष और अधिकतम 42 साल। और ये एज जो कैलकुलेट होगी आपके 1 जुलाई 2023 से होगी। बाकी अलग जो रूल हैं उसके अनुसार इसमें जो है छूट दी गई है, ठीक है। चलिए अब नीचे यहाँ पर चलते हैं, डिटेल में और PDF में आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर चयन कैसे होगा, तो चयन की बात करते हैं तो कुल यहाँ पर 200 अंकों की यहाँ पर परीक्षा होगी, जिसमें 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी। 1 अंक 1 क्वेश्चन के लिए जाएगा। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आएंगे। 2 प्रश्न पत्र कौन कौन से होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, जहाँ पर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पेपर होगा, 95 अंक होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, ये सब वगैरह आएगा, ठीक है। और उसी के अंदर जो है ट्यूटर पद की नियमावली के अनुभव से रिलेटेड यहाँ पर भी और मार्क्स आपको यहाँ पर दे जाएंगे अदर अलग अलग। तो इसको आप जो अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा कि किस तरह से। लिखित परीक्षा के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि कैटेगरी अनुसार रहेगी। इसमें जो है आने के लिए अन्य और OBC, यानी कि रिजर्व और OBC के लिए जो है 45% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 35% यहाँ पर मार्क्स लाने जरूरी है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरी PDF मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर की है। फीस की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 300, आर्थिक रूप से कमज़ोर 150 और OBC उतना उतना 300-300 है। बाकी अदर के लिए जो है यहाँ पर 150-150 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। ये रही डिटेल। PDF हमने पूरी अपने ऑफिशियल जो हमारे टेलीग्राम है उसके ऊपर अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।